आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। राज्य विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा की प्रत्याशी नीरजा सिंह की प्रचंड मतों से जीत के बाद में बरही में उनका आभार जुलूस निकाला गया, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक नीरज सिंह द्वारा मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। वहीं बरगी के लोगों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अभूतपूर्व स्वागत किया गया। बरसते पानी में कार्यकर्ताओं ने पुष्प मालाओं और जेसीपी से पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया है। वहीं लड्डुओं से तराजू में नीरज सिंह को तोला भी गया है। वहीं नीरज सिंह ने पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस विधायक के कार्यकाल को झूठ और फरेब का कार्यकाल बताया है। साथ ही आने वाले समय में बरगी के विकास के लिए नई कार्य योजना के साथ काम करने की बात कही। स्वागत यहाँ पे, बड़े अंतर के साथ आप जीते हैं यहाँ पे, उतनी अपेक्षाएं लोगों की आपके साथ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब जीत बहुत बड़ी होती है तो बहुत आशा और उम्मीदों के साथ इतनी बड़ी जीत दी जाती है। और शायद बरगी की जनता इसलिए भी आशा उम्मीद कर रही, क्योंकि पिछले जो 5 साल बीते हैं वो सिर्फ झूठ और बयानबाजी बेमतलब के बीते हैं। इसलिए जनता बहुत आशान्वित है कि बदलाव किया है तो एक अच्छे तो उम्मीद में ये बदलाव किया गया। मैं जानता हूँ कि जब इतना अंतर होता है तो जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरे कार्यकर्ताओं के और जनता के साथ मिलके मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन कर पाऊँगा, मुझे पूरा विश्वास है। के लिए पहली प्राथमिकता आपके विकास के यहाँ पे क्या होगी? बहुत सारी चीज़ें, मैं बड़े कामों की जब बात करूँगा तो बड़े काम जो हैं वो सरकार स्वीकृत करती है, मेरा ध्यान पूरा छोटे कामों पर होगा, क्योंकि आज भी गाँव की समस्याएँ, बुनियादी समस्याएँ, पेंशन राशन की समस्याएँ, जब हमारी सरकारें पेंशन दे रही हैं, राशन की बात कर रही हैं, तो ऐसे क्यों लोग रहते हैं जिनको पेंशन और राशन नहीं मिल रही है? तो मैं शुरुआत छोटे काम से करूंगा और उसके लिए मेरे दिमाग में एक योजना, आपको आने वाले समय में वो पता चलेगा कि मैं इस काम को कैसे करने जा रहा हूँ।